वादी कश्मीर के जितने भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं उनके लिए एक अहम जानकारी है, क्योंकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से तमाम तर स्कूल्स के हेड्स को ये हिदायत दी गई है कि अब किसी भी मेहमान के स्वागत के लिए आप बच्चों को कतारों में खड़े नहीं करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी स्कूल में किसी ऑफिसर का या किसी गेस्ट का विजिट होता है तो उससे पहले स्कूल में अच्छी खासी तैयारियां कर ली जाती हैं, बच्चों को लंबे अरसे तक जो है वो कतारों में खड़ा किया जाता है, उनसे तालियां बजवाई जाती हैं और उनसे मेहमान का स्वागत करवाया जाता है। लेकिन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने तमाम तरह सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के हेड्स को ये हिदायत जारी की हैं कि अब इस रिवायत को ख़त्म कर दें, इस रिवाज को ख़त्म कर दें, क्योंकि इस रिवायत और इस रिवाज की वजह से बच्चों के जहन पर मनफी असरात पैदा होते हैं। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से ये भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अब आप बिल्कुल भी बच्चों को कतारों में खड़े नहीं करेंगे और ना ही आप जिस तरह से बहुत सी रस्में हैं ऐसी कि आप फूलों के हार ले आते हैं, नकली फूलों के हार जो होते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं, वो लाए जाते हैं और उनके बाद जब उन्हें डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो ये जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। लिहाजा पहली बात तो ये कि अब आप इस रिवायत को ख़त्म कर दें, इस रिवाज को ख़त्म कर दें, क्योंकि इससे बच्चों के जहन पर मनफी असरात पैदा होने के साथ साथ बच्चों की तालीम में भी जो है वो खलल पड़ता है। क्योंकि जो बच्चों का सीखने का टाइम होता है, उस सीखने के टाइम में बच्चों को कतारों में खड़े किया जाता है और मेहमान का स्वागत करवाया जाता है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस सर्कुलर के ज़रिए और भी कई बातें जो हैं वो जाहिर की गई हैं। पहली बात तो ये की गई है कि जो लर्निंग टाइम है बच्चों का उसमें जो है वो खलल पैदा होता है। दूसरा ये कहा गया कि जो प्रोडक्टिविटी है इसमें भी जो है वो प्रॉब्लम्स रिकावटें आती हैं और बच्चों की जो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है यानी इज्जत नफ्स है इस पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ है बच्चों की इस पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और बच्चे जो है इन रवायतों, इन रस्मों की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जब एक घंटे, आधे घंटे वो कतारों में खड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनके इज्जत नफ्स को भी ठेस पहुँचेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर हम माहौल की बात करें तो जो आर्टिफिशियल फ्लोरल बॉकेट्स या गार्लैंड्स यानी हार्स वगैरह जो भी आप गेस्ट को या ऑफिसर को डालते हैं ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। इससे जो है हमारा माहौल जो है वो ख़राब होता है और हमारे माहौल में जो है वो आलूदगी फैलती है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आप कोशिश करें कि जब भी कोई मेहमान आए या कोई ऑफिसर आपके स्कूल का विज़िट करे, एक तो आप अपने स्कूल के बच्चों को कतारों में खड़े ना करें, दूसरे जो खर्चे वगैरह आप जो है उसकी कैटरिंग पर, ये हार आर्टिफिशियल हार्स वगैरह पर जो आपका खर्चा आता है ये बहुत ज़्यादा आ जाता है, इससे भी कम करने की जो है वो कोशिश की जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बच्चों और ऑफिसरान के बीच जो है वो एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाती है, क्योंकि बच्चों को आप खाने पीने को कुछ नहीं देते और जो आपका गेस्ट होता है, जो आपका आपके स्कूल में ऑफिसर आता है, उसकी कैटरिंग पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है और इससे बच्चे जो हैं वो खुद एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि तमाम तर स्कूल्स को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों या गवर्नमेंट स्कूल्स हों, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से ये कहा गया है कि आप इस सर्कुलर को जल्द अज जल्द अडॉप्ट करें और इनोवेटिव मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल करें कि जब कोई ऑफिसर या कोई गेस्ट आपके स्कूल पर आता है तो जितनी प्रायोरिटी आप उसको देते हैं उतनी ही प्रायोरिटी आप स्टूडेंट्स को भी दीजिए, स्टूडेंट्स को भी अच्छे से ट्रीट कीजिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप आर्टिफिशियल जो आप गार्लैंड्स यानी हार वगैरह उसे पहनाते हैं या उससे जो है बुके देते हैं, उसके बजाय अगर आप नेचुरल फ्लावर्स का इस्तेमाल करें, सिंपल फ्लावर्स का इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। और सिमिलरली यही कहा गया है कि कैटरिंग जो आप जिस पर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं उस कैटरिंग के बजाय आप सिंपल चाय और उसके साथ स्नैक्स रखें जो बच्चे भी खा सकें और आपका गेस्ट भी खा सके, आपका जो है खर्चा भी कम हो और बच्चों को और गेस्ट को जो है वो इक्वली ट्रीट भी किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि आज के बाद वादी कश्मीर के किसी भी स्कूल में जब कोई ऑफिसर विज़िट करेगा या कोई गेस्ट विज़िट करेगा तो अब आपको बच्चे वहाँ पर कतारों में खड़े देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि पहले तो बच्चों को कतारों में खड़े किया जाता है,
फिर थ्री क्लैप्स रेडी गो किया जाता है और बच्चे तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। जब गेस्ट आता है उसे हार वगैरह पहनाए जाते हैं। इससे एक तो बच्चों का जो है सीखने का टाइम जो है उसमें खलल पैदा होता है, बच्चों की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उससे ठेस पहुंचती है। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से ये सर्कुलर जारी किया गया है और तमाम स्कूल हेड्स को ये हिदायत जारी की गई है कि अब ना ही तो बच्चे कतारों में खड़े होंगे और जो भी आप गेस्ट को जिस तरह से ट्रीट करेंगे उसी तरह से आप स्टूडेंट को भी ट्रीट करें।